नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। आज देखते हैं हम लोग यूपी स्पेशल की दूसरी क्लास। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद की संख्या हो जाएगी उत्तर प्रदेश में 100। देखिए, अगर पूछ लेता है कि आपकी विधान परिषद कहाँ कहाँ है, तो अभी तक 7 जगह थी जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है तो वहाँ से ख़त्म कर दी गई है। अब सिर्फ 6 राज्यों में बची है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 6 जगह पर आपकी अभी भी विधान परिषद है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो लोकसभा के सदस्य हो जाएंगे 80। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या हो जाएगी आपकी 31। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा प्रयागराज। अगर पूछ देता है कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर आपकी हो जाएंगी 11 सीटें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व में नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पहले जो नाम था वो आपका था संयुक्त प्रांत, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो आपकी कब बनी थी, किस सन में बनी थी? तो ये आपकी बनी थी 1921 में। अगर बात करते हैं इससे पहले राजधानी क्या थी, तो इससे पहले आपकी 1858 से लेकर 1921 तक जो राजधानी रही वो रही इलाहाबाद, और उससे भी पहले की अगर बात करता है तो 1858 तक इसकी राजधानी आगरा थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह भी आपका हो जाएगा 1921 में ही। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी थी उसी वर्ष 1921 में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? तो पहले सभापति जो थे वो थे श्री चंद्रभाल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत जी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी आपकी सुचेता कृपलानी जी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल थी आपकी सरोजिनी नायडू जी। अगर बात करते हैं वर्तमान में राज्यपाल की, तो वर्तमान में भी आपकी राज्यपाल महिला ही हैं, और वो हैं श्री आनंदीबेन पटेल जी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप लोगों को वीडियो को सिर्फ शेयर करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सकें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।